नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संगीत एक ऐसी कला है जो मनुष्य को अपना दीवाना बना देती है और बिन संगीत के काशी भी अधूरी सी लगती है। इसलिए आज हम आपको काशी के एक ऐसे नगीने से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने काशी को पढ़कर नहीं बल्कि उसे महसूस करके जिया है। जी हाँ, शास्त्र संगीत के एक ऐसे उस्ताद जो जल तरंगों से संगीत को चुरा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर राजेश्वर आचार्य की। काशी का वो नगीना जिन्होंने काशी को पढ़कर नहीं बल्कि जिया और तब जाना। जितनी महारत जल तरंग वादन में हासिल की उतनी ही शिद्दत से आज भी काशी को जीते हैं। हम बात कर रहे हैं शास्त्र संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य की, जिनका खांटी बनारसी अंदाज, हसमुख मिजाज और मधुर आवाज अजनबियों को बना देती है अपना दीवाना, तो विदेशों में भारत को दिलाती है एक अलग पहचान। ग्वालियर घराने से ताल्लुकात रखने वाले डॉक्टर राजेश्वर आचार्य न सिर्फ BHU से जुड़े रहे बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स और संगीत विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आखिर कैसे शास्त्र संगीत के उस्ताद जल तरंगों से चुरा लेते हैं संगीत, ये जानने के लिए NMF न्यूज की टीम पहुंची डॉक्टर राजेश्वर आचार्य के घर काशी में। नमस्कार, NMF न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें मोदी सरकार की तरफ से हाल फिलहाल में शास्त्र संगीत में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी। सर, आपका एक बार स्वागत है हमारे NMF न्यूज़ में। सर, मैंने सुना है कि जो कि आप काशी से हैं और शास्त्र संगीत में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासकर काशी से। ऐसा है कि संगीत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, संगीत का लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी, ये दो एनर्जी जो हैं पूरे संसार को चलाती हैं। और ये जो सात स्वरों वाली माया है तो इसमें मैचिंग एंड कंट्रास्ट दोनों अपने अक्ष पर और सूर्य को केंद्र मानकर सूर्य के पक्ष पर जो संचालन होता है उसका एक रिदमिक बिहेवियर है, एक टोनल स्ट्रक्चर है, टोनल पैटर्न है, टोनल इडियम्स। और इसीलिए बियॉन्ड लैंग्वेज और बियॉन्ड वोकैबुलरी आप स्वरों से आदमी के टोन से समझ जाते हैं कि भीतर उसके क्या है। वो जीव भाषा है, विश्व की भावोमयी भाषा है संगीत। अब इसका तरह तरह से लोगों ने उपयोग किया है, झोपड़े पे भी पानी बरसता है, सीमेंट के जंगल पे भी बरसता है और CP की छाती में जाके वो मोती बन जाता है। यही वजह है कि आप पानी से भी तरंगे निकाल लेते हैं। तो हर पात्र जो है ये ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ध्वनि उपलब्ध होती है, क्योंकि ये इटर्निटी की जर्नी है। जो पदार्थ शून्य में जगह घेरता है वो उतनी ध्वनि भी घेरता है। तो विविध पात्रों में उसमें वॉल्यूम उसका खाली करेंगे आप, पानी डाल देंगे तो उतर जाता है। तो ये वैदिक पीरियड में भी जल तरंग जो है उदक वाद्य के रूप में उसका उल्लेख है और नेचर से ही ग्रहण किया है, व्यक्ति कंठ ध्वनि लेके आता है। और आप लैंग्वेज में प्रश्नवाचक चिन्ह, संबोधन इत्यादि 4-5, लेकिन एक स्वर जितना कुछ कह देता है उसके लिए आपको 2 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, तो उसको व्यक्त करना पड़ेगा, डर के बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन भाषा समर्थ है। और संगीत किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, संगीत सबके भीतर है। अगर नहीं है तो काउंसलिंग करके देखेंगे, वो शायद साइकेट्रिक लेवल पर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, अनट्यून्ड हुआ है। अगर वो नेचर से ट्यून्ड है तो संगीत का स्वर का उपयोग करता ही करता है। बस यही है कि आप तरफदार सितार जानती हैं आप, एक सादा सितार होता है, ऊपर तार होते हैं और तरफदार में नीचे भी तार होते हैं, उसको भी मिला लेते हैं, बजाते ऊपर हैं, गूंजता नीचे भी है, बोलता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के मन में नेचुरल स्केल जो है, प्राकृतिक स्वरग्राम है। आप संगीत के द्वारा उसे जगा देते हैं, वो अपने आत्मिक संगीत में लीन होता है। लेकिन इसे आत्मविज्ञापन के तौर पर लेना और आत्माभिव्यक्ति के तौर पर लेना, ये फ़र्क है। और पानी भी बिकता है, इसलिए तरह तरह के म्यूजिक्स हैं, सूफी संगीत, फलाना संगीत, वेस्टर्न संगीत, फोक संगीत, जितने नाम हैं इस पर लगा दिए लोगों ने। लेकिन भारतीय परंपरा में कॉन्शियसनेस की जर्नी में बॉटनिकल कॉन्शियसनेस, एनिमल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियस के बाद
सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, तब डिवाइन कॉन्शियसनेस जागता है, ध्वनि रह जाती है, ध्वनि हम उपलब्ध करते हैं। इसलिए सबके भीतर जो चैतन्य कॉन्शियसनेस की जर्नी, उसमें से अच्छा क्रिएशन करना, ये आत्मा अभिव्यक्ति है। आत्मा भी जलती मरती नहीं है, तो इसलिए इटर्निटी की जर्नी में संगीत काम आता है। और काशी में तो कम से कम हम ये नहीं कहते कि वी गेट द गॉड थ्रू म्यूज़िक, नो, हमारा गॉड ही जो है वो म्यूज़िक है। वंदे नाद तनुम तमुद्धर जगत गीतम मुदे शंकरम, द बॉडी ऑफ साउंड, हमारा शिव का शरीर ही नादमय है। अतः आप पेट में गई हुई चीज़ आपको ताकतवर तो बनाती है, लेकिन उसके बाद फिर वो पेट बलवान बनाता है तो मलवान भी बनाता है। इसीलिए तरह तरह के आरोपण हैं संगीत के ऊपर, कि आप पेट के लिए गा रहे हैं कि हृदय के लिए गा रहे हैं, कि मस्त होकर पुकार लगा रहे हैं फोक में। तो इसीलिए तरह तरह का प्रयोग है, बड़ा व्यापक है। लेकिन इन सारे प्रयोगों का जो फैक्चुअल पोर्शन है एब्स्ट्रैक्शन का, उसे ग्रहण करके शास्त्रीय संगीत का आकलन किया गया है। लेकिन आजकल ये क्लासिकल शब्द कहीं हमारी पुस्तकों में, ग्रंथों में प्राचीन नहीं मिलता है। ये आकाशवाणी के बाद क्लासिफाई किया गया है, क्लासिकल है, ये पलाना है, ये रिकाना है। इसलिए म्यूज़िक को म्यूज़िक रहते हुए कॉन्शियसनेस की हायर जर्नी में, डिवाइन कॉन्शियसनेस पहुंचने में अलग काम है, कमर्शियल अलग है, अप्लाइड म्यूज़िक अलग है। जिंगल से लेकर सब में इसका प्रयोग करते हैं आप। इसीलिए हमारे यहाँ जो उत्तरोत्तर 5 लेवल हैं शिक्षाकार, अनुकार, शिक्षा मतलब शिक्षा को आकार देने वाला, शिक्षक नहीं, सारे एसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस लेके जब वो व्यक्त करता है तो वो है शिक्षाकार। दूसरा खाली कॉपी करता है, वो मिमिक्री करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ओरिजिनल कुछ नहीं। तीसरा है रंजक, इंटरटेनिंग, वाह वाह वाह, लेकिन वाह का उल्टा होता है हवा हवा। चौथा है भावुक, जो आपके सेंटिमेंट्स को टच करता है। और पाँचवा है रसिकावस्था, परफॉर्मर और लिसनर दोनों एक हो जाते हैं, एक मेंटल स्टेटस पर होते हैं। तो यह सामान्य से उत्तरोत्तर आगे बढ़ना कॉन्क्रीट में एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट में कॉन्क्रीट है। यह आकाश में सारे ग्रह नक्षत्र पिंड हैं, तो पृथ्वी ग्रह कक्षा का जो स्वर है, जो भावों का आदान प्रदान करता है, वह है संगीत। उससे आपको क्या कार्य लेना है, यह आप जानिए। वो महल से लेके झोपड़ी तक है, बाजार से लेके प्यार तक है। आप मकान तो खरीद सकते हैं, घर नहीं खरीद सकते, घर आपको बनाना पड़ेगा। परिवार जुड़ता है संवेदनाओं से, इसीलिए अपनत्व की भाषा जो आपकी प्रार्थना में है, आपके क्रोध में है, आपके प्यार में है, उन्हीं का संकलन, एसेंस ऑफ द लाइफ एंड जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आपको डिवाइन तक ले जाती है, उसका माध्यम संगीत। अब आप कैसा दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। सर, आपने इतने बढ़िया तरीके से हमें संगीत के बारे में, संगीत को समझने के बारे में समझाया, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, मतलब जानना चाहती हूँ कि जो आजकल के यंग जनरेशन है, और वो यंग जनरेशन जो खासकर शास्त्रीय संगीत में अपना करियर बनाना चाहती है, अगर आप उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से वो इस शास्त्रीय संगीत में से जिसको प्रगति समझ रहे हैं उसके पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स ख़त्म हो जाएगा तो आदमी हो जाएगा रोबोट। माँ कहती है कि बेटा तुम किसी से भी शादी करना, हम खाली देखना चाहते हैं, और आप शादी करके अमेरिका से चले जाते हैं। और माँ पूछती है क्या हुआ, बेटा हमको कह देते 22 घंटे में USA पहुँच जाते, कि माँ अब तुम सेंटी हो रही। उसके पास सेंटिमेंटल कहने की भी फुर्सत नहीं है। इस रफ्तार से अगर राजधानी से जाएं और आप खेत न देख पाएँ, तो ये आपके विज़न की कमी है, आपके देखने की कमी है। न खेत भागे हैं, न प्रकृति भागी है। हम बहुत जल्दी सिंथेटिक होते चले जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन अप्रोचेज अगर रखना है तो जिनके आधार पर व्यक्ति 64 कलाएं हैं, 5 पदार्थिक है, मेटेरियलिस्टिक है, मैटर कम होता जाए, फैक्ट बढ़ता जाए, ऐसे 5 फाइन आर्टिस्ट हैं, वास्तु, मूर्ति, चित्र, काव्य और संगीत। ये रिफाइनमेंट का क्रम है, विराट से सूक्ष्माति सूक्ष्म की ओर बढ़ने की बात है। हम जो चाहें उसमें लें। अब तो आप अल्ट्रा शब्द बोलते हैं, तो चम्मच गंगा, लोटा गंगा, घगरा गंगा, कंडाल गंगा, गंगा का नाम नहीं है, ये पात्र का नाम है। तो इसलिए संगीत से आप क्या चाहते हैं ये आप जाने। अब हवा आपके लिए ज़रूरी है, तो आपकी चेतना और मनुष्य होने के लिए संगीत आवश्यक है। 45वां साल चल रहा है ध्रुपद मेले का। तानसेन हरिदास स्वामी के समय जो संगीत चलता था उसके कहते हैं ध्रुव पद। ध्रुव माने स्थाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल। पद माने स्टेटस, पद माने पोएट्री, पद माने चरण, पद माने स्टेटस पोस्ट।
इतने हैं, तो संगीत में जो निर्धारित तथ्य हैं शाश्वत, उनको लेकर आगे बढ़ना। इसीलिए आप देखें, कम से कम इस ध्रुपद मेले में कोई सरकारी वो नहीं, ये 2 साल 75 में और 76 में संगीत नाटक अकादमी केंद्र की ग्रांट ली थी, लेकिन आज यह 45वें वर्ष में 1500 फॉरनर्स कम से कम इसमें आते हैं, और जो अच्छी तरह से सुनते हैं, कोरिलेट करते हैं, डीप इंट्रोडक्शन उनका हो जाता है, और रिदमिक बिहेवियर से रात भर आनंद लेते हैं, और कम से कम 5 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा ये ध्रुपद मेला देता है, और उसका ही उत्सव है, मुझे जाना है, शिवरात्रि के 3 दिन पहले शुरू होता है। इसलिए उन सारे अतिथि को हम अतिथि नहीं कहते, हम अभी आगत कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, जो अच्छी तरह से आ गए हैं हमारे पास। उनके स्व आगत का मतलब है जैसे मैं ही आया हूँ, और सु आगत अच्छा आगत, मैं उनके स्वागत में। एक ही वादन सबसे बड़ा पुराना वादन है, 2 तार जुड़ेंगे नहीं तो आप वादन नहीं कर सकते, लेकिन एक वादन है कि 2 तरफ जुड़े बिना आपने किया अभिवादन और दोनों तरफ प्रसन्नता आ जाती है। इसलिए जितने भी हमारे जिनको अतिथि के नाम से बुलाया गया है, वो अनडेटेड नहीं है, वो डेटेड हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं।